अगर संतोष कुमार कहे कि मैं चुप रहूं तो मैं चुप रहूंगा। नहीं सर, हम लोग चुप रहे तो आपको हम क्या है? नहीं, इसका एक कारण सुनो भैया, मैं एक कारण बता रहा हूँ क्यों उनको कह रहा हूँ, बड़े भाई भी कह रहा हूँ, उसका भी एक कारण है कि हम और कृष्ण साहब बहुत एक्टिव थे इन सब चीज़ों के मामले में एक ज़माने में। अब वो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, कृष्ण साहब ने सब कुछ किया है, जितना रिजर्वेशन OBC और ये वो सब सारी चीज़ें हैं सब उन्होंने किया, लेकिन अब रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, कोई पूछता नहीं है, पूछेंगे भी तो ऐसे ही खाली राय बात करके अपना। तो हो ये रहा है कि जो आप कह रहे हैं, जो ये भाई कह रहे हैं, होगा ये कि अरविंद केजरीवाल बेचारे उन तक ये बात जाएगी और वो सोचेंगे इस पर, सिसोदिया है ज़्यादा सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, सोचेंगे इसके बाद वो भेजेंगे जस्टिस के पास, कोर्ट में भेजेंगे और कोर्ट वाला कहेगा कि भैया इसको वापस करो, इसलिए कि ये अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आया, LG के पास अप्रूव नहीं हुआ, LG के पास जाएगा, LG पूछेंगे, जयशंकर प्रसाद से पूछेंगे, LG जयशंकर मोदी से पूछेंगे और मोदी कहेगा चुप रहिए। तो ये सब सवाल जो है ना, ठीक है हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, मन बहला रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों कोई खास मतलब नहीं है। नंदूराम जी, हम या तो निराश होकर बैठ सकते हैं, नहीं तो लड़ाई चालू रख सकते हैं। मैं लड़ाई चालू रखता हूँ और लोग अधिकार में जो है, सत्ता में जो है, वो आसान से नहीं सुनेंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले सुनेंगे। इलेक्शन से पहले का जो ज़माना है उसका पूरा फायदा उठा लें। अभी SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में आया, एक्ट को ढीला करते हुए, उस पर हम मेरे ही सलाह पर उस एक्ट का अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में पूरा ओवर किया गया। तो हमारे कोशिशों से 100% नहीं होगा, 10% हो, 20% हो, और अगर सब लोग मिले तो ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप जो बोल रहे थे 27% रिजर्वेशन, अभी BC के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं है, SC/ST के लिए 55 से है, लेकिन उस पर मंडल जजमेंट से लेकर नागराज जजमेंट भी आप जानते होंगे 2005 के, उसमें पेंच डाले गए जिससे रिजर्वेशन प्रमोशन का प्रावधान है, 16-4 आके उसकी पुष्टि भी की गई, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए कांस्टेबल लाना चाहिए, SC/ST की बात पक्का होने के बाद BC की बात उठा रहे, लेकिन BC की बात जब आएगा कुछ बातें हमें देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए BC के लिस्ट में जो सोशली बैकवर्ड नहीं है ना घुस पावे, एक बात है, अगर वो घुसे तो BC का डिमांड कमज़ोर हो जाएगा। फिर दूसरा, रिजर्वेशन किसके लिए है? जो अपने बलबूते पर सामान्य परिस्थिति में ओपन कॉम्पिटिशन में अपना हिस्सा नहीं पा सकते उनके लिए रिजर्वेशन है। अगर BC लिस्ट में कोई हो ऐसा जिनका प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात के समान या ज़्यादा हो तो उनको हटा के बाकी उनका भाग रखना चाहिए। तो ये एक प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कर्नाटका के लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में मुक्कलिगा कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन हर एक चीज़ में उनके आबादी से ज़्यादा है, सर्विस भी ज़्यादा है, उनके लिए अगर रिजर्वेशन प्रमोशन मांगे तो वो सही नहीं रहेगा और वही लेते रहेंगे। असल में BC में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन का वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन उसका समय अब नहीं है, वो समय SC/ST का पूरा हो जाए उसके बाद करें। इस बीच में हम SC लिस्ट को ऐसे वर्कआउट करें कि जो अपने बलबूते पर अपना प्रतिनिधित्व ले सकते हैं उनको अलग रखो, बाकी जो है जो ज़्यादा पिछड़े हैं, अधिक पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, सर्वाधिक पिछड़े हैं, उस तरह की जातियाँ BC में ज़्यादा है, उनका सेपरेट
करके इनके लिए मांगे तो वो ज्यादा दुरुस्त रहेगा, लेकिन उसका समय और हम करें। प्रश्न बहुत रहेंगे, समय का अभाव है और अभी थोड़ा सा लंच लेट होने से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो अभी मैं कोई इस टॉपिक पर और प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। हमारे अगले स्पीकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, फिरोज अहमद साहब है। फिरोज अहमद साहब की बहुत सारी खासियत में एक खासियत ये भी है कि 1986 में ये पूरे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर थे और प्रधानमंत्री ने इनको अपना 3 दिन का मेहमान रखा। और ये भी बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अंसारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ताकतवर वकील हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। मैं इनवाइट करता हूँ फिरोज साहब को अपना प्रेरण। नमस्कार, आई फर्स्ट हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट द चेयरमैन ऑफ दिस ओबीसी कमीशन श्री हरिओम डेरा जी, एंड आई ऑल्सो थैंक रिस्पेक्टेड पी एस कृष्णन जी जो हु इज हियर बिफोर अस टू एनलाइटन अस फर्दर ऑन द सर्टेन टॉपिक्स, एंड आई रियली फील ग्लैड दैट ही इज स्टिल यंग एट द हार्ट एंड स्टिल स्ट्रगलिंग एंड encouraging people to fight for their right. And still right. And that shows that in spite of discouraging comments, you have stood for the right cause of the people who are from the weaker section. I also am grateful to Shamim Akhtar Sahab, who has given me this opportunity to basically highlight the issues of minority OBC, minority Dalits. I am thankful to Sister Gill, who is also before us, and above all, the great sociologist Professor Nandu Ramji, who is also before us today. We find that the caste system in India is so deep rooted that aap dharm badal sakte hain, jaat aur caste bhi badal sakte hain. Aap kisi dharm mein paida ho aur agar dharm change karte hain, agar aap hindu se musalman rehte hain, christian rehte hain, to aapka dharm nahi badalta hai. Aapka dharm to badalta hai lekin aapka caste nahi badalta hai. Aur caste nahi badalne ke bawajood जब आप धर्म बदलते हैं तो आपके साथ डबल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है. आप जो खास तौर से जो माइनॉरिटीज हैं, आप देखेंगे कि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है एक तरफा नहीं है, दो तरफा डिस्क्रिमिनेशन है, डबल डिस्क्रिमिनेशन है. और वो डबल डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है कि वो यहां पर जो खास तौर से जो मुसलमानों में जात हैं वो कोई दे हैव नॉट कम फ्रॉम द अरेबियन कंट्रीज. If you go back 100, 200 years, 300 years back, you'll find that they come from the weaker sections who have converted themselves into Islam. So they are basically Aboriginal Indians. अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो कास्ट सिस्टम अभी भी वो चलता आ रहा है. ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे कब्रिस्तान अलग है, जहां पे मस्जिदें अलग लोगों ने बनाई हैं, और उसमें भी अनटचेबिलिटी की बात और वो हर जगह देखेंगे. इसको दूर करने के लिए जो मैंने आपको कहा कि हमारे साथ जो डबल डिस्क्रिमिनेशन है, एक तो जो माइनॉरिटी होने के नाते और एक बैकवर्ड या दलित कास्ट होने के नाते, इसका समाधान मैं कई बार हम लोगों ने डिस्कस की है पीएस कृष्ण जी से भी, कई बार वो हम लोगों को गाइड भी करते रहे हैं कई मसलों पे. और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन, जो डबल डिस्क्रिमिनेशन या डबल माइनॉरिटीज कई कई लोग कहते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है. जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है कि एक जो धोबी हमारे हिंदू भाई के हैं, उनको तो आप शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं. अगर वही धोबी
एक दिन में वो मुसलमान हो जाता है, क्रिश्चियन हो जाता है, तो आप उसको शुद्ध कास्ट निकाल करके ओबीसी में डाल देते हैं। तो क्या वो ओबीसी धोबी या मुसलमान जो और नीचे तबके के काम करते हैं, नट, कई ऐसे कास्ट हैं हलाल खोर, क्या वो बड़े अपर कास्ट जो अब बड़े जो ओबीसी में जो कास्ट हैं यादव कुर्मी या और जो लोग हैं, क्या वो उससे कंपीट कर सकते हैं? क्या उसके साथ वो साथ चल सकते हैं? तो उनके साथ जो भेदभाव होता है वो एक, लोग कहते हैं कि साहब इस्लाम में अनटचेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया। 1940 तक, 41 तक तो नहीं था ये, बाद में 1950 में एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से इसको लाया गया कि हिंदू शुरू कास्ट मींस ओनली हिंदू कास्ट। बाद में उसमें अमेंडमेंट कर करके सिख को जोड़ा गया और बुद्धिस्ट को जोड़ा गया, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन आज भी उससे बाहर हैं। हम लोगों के बहुत प्रयास करने के बाद, खास तौर से ऑल इंडिया मुमिन कॉन्फ्रेंस जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ, मुसलमानों में करीब करीब 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट्स अंसारी एंड पर्टिकुलर दैट बुनकर वीवर सेक्शंस। हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे धरने दिए, बहुत हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। सरकार ने कहा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इसके लिए कमीशन का गठन करना पड़ेगा, और सरकार ने UPA 1 ने अल्टीमेटली एक कमीशन का गठन किया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन। उस कमीशन के सामने मैं खुद भी 3 बार पेश हुआ, और मैं वो एक इतना स्ट्रॉन्ग कमीशन था, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन अपने आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, वो हिंदुस्तान के फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे, उनको लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी, वो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे। तो वैसे कमीशन में जहां पे लोग काफी विद्वान लोग थे, अल्टीमेटली उन लोगों ने एक अपनी कमीशन के रिकमेंडेशन को सामने, सरकार के सामने पेश किया, और वो रिकमेंडेशन में हर एक सरकार से हम ये मांग करते हैं कि भाई ये एक सच्चा रिकमेंडेशन आया है, सरकार की तरफ से आया है, और जिसमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि मेक ऑल रिजर्वेशन रिलीजन न्यूट्रल, इसमें धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो जिस जाति का है, जिस भी धर्म का है, उसके साथ उसको उसी तरह का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी हम यही मांग करते हैं कि आप जो जिस जाति का है, चाहे किसी धर्म का है, आप उसको वही अधिकार दीजिए, बराबर का अधिकार दीजिए, ताकि आप उस चीज को बांट नहीं सके। ये एक जो बांटने की जो राजनीति है वो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, और वो हम आज भी देखते हैं जो चला आ रहा है। आखिर ये कई कमीशन, पीएस कृष्णन साहब ने जो कहा नाम को बदलना जरूरी है, बेशक जरूरी है, क्योंकि ये जो कई कमीशन जो बनाते हैं आप, शुरू कास्ट कमीशन, एसटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, सबको अलग अलग रखो, किसी को साथ मत आने दो। अगर साथ ये एक कमीशन बनाएंगे, साथ आ जाएंगे, तो इनके बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएंगे, आपस में इनकी समझदारी होगी, आपस में ये सब मिलकर के डिस्कस करेंगे और सब एक हो जाएंगे, इनका इंटरेक्शन ही मत होने दो। तो ये कमीशन को एक तौर से आपको सारे कमीशन को आप भले उसके अंदर सब कमीशन बना लें, लेकिन कमीशन जो इकोनॉमिकली सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं, आप उसका एक कमीशन हो, ताकि वो अपनी आवाज एक साथ होकर बुलंद कर सके, और हम तभी यूनाइटेड होकर करके, जो हम 80-85% हैं आज, हम आप देखते हैं कि आपके सामने प्रोफेसर विवेक साहब ने जो आंकड़े रखे, आपने देखा कि क्या चौंकाने वाले आंकड़े थे, उसके जो डाटा थे वो एक एक डिपार्टमेंट में, जहां 3,000-3,000 प्रोफेसर हैं, जहां कम से कम 300 हमारे लोग होने चाहिए, वहां मुश्किल से 3 और 4 38 से आगे नहीं है। आखिर क्या वजह? अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो, अगर चाहत नहीं हो, तो आप रूल को, पॉलिसी को कुछ भी बदल सकते हैं। जो हम उससे पहले भी जो लोगों ने कहा, जो अंबेडकर जी ने भी हमेशा कहा कि रिजर्वेशन का मसला नहीं है,
मैं भी मानता हूं कि रिजर्वेशन का कोई मसला नहीं है, आप रिजर्वेशन हटा दो, आप इकोनॉमिकली 10% के लिए क्या, आप सारा का सारा रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मसला है। आप जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो हमारे जो देश का जो अंग, हमारे जो शरीर का अंग है, अगर कोई अंग भी कमजोर है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, उस तरह हमारा देश स्वस्थ नहीं हो सकता, हम मजबूत नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारे सारे अंग और हमारे सारे लोग एक साथ आगे और मजबूत नहीं हो। तो हमें इस चीज को देखना है कि हम किस तरह से, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो पॉलिसी हम बनाते हैं उस पॉलिसी में सारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो बता सकें, सजेस्ट कर सकें। अभी जैसे कृष्ण साहब ने भी कहा, उससे पहले भी लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग खुद देखते हैं, जिस आदमी का बैकग्राउंड नहीं है, जिस आदमी का सोच नहीं है, हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है आपके कास्ट के सिस्टम में, आपके डिफिकल्टीज के बारे में, वो शुरू से एक एलीट क्लास में पैदा हुआ, एलीट क्लास में वकालत करता रहा, एलीट क्लास में मूव करता रहा, और वो आदमी अचानक मालूम है ब्रीफ, आपका आपका ब्रीफ लेकर के, और उसको भी ब्रीफ करने वाले जो ऑफिसर हैं वो भी एलीट क्लास के हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो जिस बेंच में जाता है वो भी एलीट क्लास के हैं। तो ये जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल लॉप साइडेड, बस वो जो अपनी सोच है, जो उनका सोच है, वो समझते हैं कि यही जस्टिस है और यही सही है, और उसमें क्या होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर लेफ्ट बिहाइंड, दे आर स्टिल बैकवर्ड। आखिर ये क्या जरूरत है कि हम इस तरह की गोष्ठी, इस तरह के कॉन्फ्रेंस, इस तरह का सेमिनार करते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारी भागीदारी अभी तक नहीं मिली है, हम अभी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी से अनसेटिस्फाइड हैं। मैं खास तौर से हमेशा, अभी बंगाल भी मैं गया था, मैं कहता हूं एक ही बात कि जो जिसकी जितनी आबादी है आप उतनी भागीदारी दीजिए, और नहीं तो कम से कम जो कमीशन का गठन आपने किया है और वो एक्सपर्ट कमेटी, एक कमीशन, एक रिपोर्ट देता है, उसको तो लागू कीजिए। आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आया, एक्शन टेकन रिपोर्ट में आज तक कुछ नहीं हुआ, वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया। क्या वो दलित, क्या वो मुस्लिम धोबी, क्या वो मुस्लिम जो हलाल खोर या और भी नीची जाति के लोग हैं, क्या वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अपर कास्ट से क्या ऊपर है वो? आप उनके लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं क्या? इन बेचारे लोगों के लिए जो बिल्कुल नीचे दबे कुचले हैं, जिसकी अपनी आवाज तक बुलंद नहीं कर सकते, क्या उसके लिए ऑर्डिनेंस दिला सकते हैं? विल पावर की जरूरत है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। सरकार, लोग अभी कह रहे थे कि सरकार सरकार तो जो अभी 93, हमारे दोस्त ने कहा कि 93 का जो ये लोग मांगते हैं कि भाई 93 का रिकॉर्ड लाइए, डोमिसाइल लाइए और तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल का मसला, भाई देश एक है, कैपिटल देश का एक है, आप फिर कहते हैं कि साहब 93 का लाइए, 94 का, ये तो सरकार की विल की पावर है। सरकार जो चाहे, जहां तक इन्होंने कहा कानून, कानून में ऐसा कोई बाधा नहीं है, सरकार जब चाहे इसको अपने नोटिफिकेशन से, अपने ऑर्डिनेंस से और अपने अमेंडमेंट से इसको लागू कर सकती है। ये नहीं करने का एक तरीका है, ये आपको हैरास करने का एक तरीका है कि आप ये कागज लेके आओ, आप वो कागज लेके आओ और आप ये सबूत पेश करो, आप वो सबूत। इस तरह की जहां जहां भी प्रॉब्लम होंगे तो आपको डिस्करेज किया जाता है। जैसा कि अभी रिस्पेक्टेड कृष्ण जी ने कहा कि आपको चाबी घर मिला है, चाबी नहीं मिला है, तो बस आपको बताया गया है कि ये आपका है पर आपका अधिकार है, लेकिन आपको मिल नहीं सकता, इतनी बाधाएं खड़ा कर दो। तो उसके लिए खास तौर से सरकार की विल पावर होनी चाहिए। मैं भी दिल्ली सरकार से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से मांग करूंगा कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग का जो सिफारिश है उसको लागू करें, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो सरकार उसको लागू करेगी हिंदुस्तान के अंदर उसकी वाहवाही होगी, पूरे वर्ल्ड में वाहवाही होगी, और लोग कहेंगे कि जिसका राइट था वो एक एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन को मांग कर करके उसके साथ उन्होंने इंसाफ किया।
ऐसे में जो हम और आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साहब एलीट क्लास में पढ़ लिया, अच्छे स्कूल में या अच्छी नौकरी मिल गई या अच्छे पैसे वाले हो गए, हम एलीट हो गए। साहब आप कहते हैं कि आप कास्ट छोड़ सकते हैं लेकिन कास्ट आपको नहीं छोड़ने वाला, आप कहीं जाइए। इसलिए आपको उसमें रह कर कर करके अपनी तरक्की के लिए सोचना होगा। यू हैव टू थिंक ओवर, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। और एक चीज मैं दावे के साथ कहता हूं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कोई, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर काम किया है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल सेकुलर और काफी हद तक सोशल जस्टिस को भी उस पर एक गौर किया है। और आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं देश के अंदर। मैं बार बार कहता हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जिन्होंने मछुआरे के बेटा होकर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ कर करके भारत रत्न हासिल किया, भारत के राष्ट्रपति हुए, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हुए। ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था कि उनको ऊपर तक जाने से कोई रोक नहीं सका। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दोष नहीं है, लेकिन ये विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, विल पावर ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड विल पावर ऑफ द सो कॉल्ड एलीट रूलिंग क्लास, दैट हैज टू चेंज इफ यू वॉन्ट टू सी अ न्यू इंडिया, इफ यू वॉन्ट टू सी अ पावरफुल इंडिया, इफ यू वॉन्ट टू सी अ डेवलप्ड इंडिया। वी ऑल हैव टू बी एट पार विद ईच एंड एवरी वन। समय चुके कम है, ये काफी सीरियस टॉपिक है और बार बार हमारे शमीम अख्तर साहब इधर देख रहे हैं, तो आई थिंक आई मस्ट एंड विद ओनली वन रिक्वेस्ट दैट दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव विच हैज बीन टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू हाईलाइट दीज प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विच आर कमिंग अप and the suggestions the government should take seriously and they should amend their rules and make it a basically a public convenient policy so that they can get the reservation, they can get their rights in the right perspective. Thank you. Thank you, Firoz sir. What a pehla karyakram hai hamara aur kabhi waisi reh jati hai, लेकिन हमारे स्पीकर्स सारे के सारे उन्होंने सोचा था कि थोड़ी देर में आएंगे, काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो मैं निवेदन करूंगा हरिओम रेला जी से कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स दें। और चूँकि स्पीकर्स सब का काम खत्म हो चुका है, जाना चाहते हैं, तो मैं मैं विनती करता हूँ श्री हरिओम रेला जी से एक बात कहना चाहता हूँ। एक कमीशन को यूनिफाई करने के बारे में, ये कमीशन नहीं हो सकता क्योंकि SC का कुछ प्रॉब्लम है, SC का प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी का प्रॉब्लम है, BC का प्रॉब्लम है, लेकिन एक हो सकता है सभी चेयरमैन मिलके, सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, मिलकर अपना एक कमेटी बना लें ताकि बैठ के जो कॉमन इश्यूज हैं उस पर कॉमन डिसाइड ले जाए और अलग इश्यूज हैं उस पर एक दूसरे का सपोर्ट करें, वो बन सकता है। अच्छी बात है, मुझे तो कुछ बोलने के लिए क्या। अरे सर 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 वोट ऑफ थैंक्स के पहले सर आपकी बातें, चूँकि आपने बहुत, मुझे याद है आप उन फर्स्ट लाइन प्रोफेसर में से हैं जिन्होंने GNU में वो पहला वेव आपने झेला है, लेकिन सर आपकी बातों में से एक बात जोड़ते हुए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने विचार रखें। अगर सर आप आउटडेटेड होते तो आज के डेट पर 27 साल के बाद आपके दो शिष्य इस डाइस पर कैसे हो सकते थे, तो कौन कहता है कि आप आउटडेटेड हैं सर, प्लीज आपने विचार मैं बैठे कंसेप्ट में बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सर आप दूसरे लोगों से और जवाब देंगे। कमीशन के चेयरमैन साहब, मेरे बड़े भाई APJ साहब और श्री माता भाई, छिहत्तर सतहत्तर में
थोड़े दिन के लिए चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी। सही बोल रहा हूँ? नहीं, बोगना जी हैं 74-75 बोगना जी थे, 73-76 सेंटर की बात कर रहा हूँ। सेंटर में चौधरी चरण सिंह थोड़े दिन के लिए बने थे 80 में। अच्छा, 80 में नहीं, 80 में। मैं तब यहाँ जेएनयू नहीं आया था, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। और मुझे कानपुर आईआईटी से बुलाया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन की बालू का ढाल में। 79 तो मैंने वो बात कही थी जो आपने किसी ने उठाई है कि भाई जो एक बार रिजर्वेशन ले चुके हैं उनको चाहिए कि वो तो सरकार डालती है, पहली बात। दूसरी बात थी कि जो पीएस कृष्ण साहब ने कहा अदर बैकवर्ड क्लासेस क्यों है, इसको बैकवर्ड क्लास क्यों नहीं कहना चाहिए। आंध्रे बेटे मेरे कजिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी से रिटायर हुए, उसे सीनियर थे, बेटे का कहना है, किताब एक छोटी सी लिखा बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस में एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अब कंस्टिट्यूशन में कहीं नहीं ये शब्द है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कंस्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। आप आर्टिकल 16 देखिए कंस्टिट्यूशन की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का बैकवर्ड क्लासेस, उसमें तीनों कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, एससी एसटी और ओबीसी तीनों कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। लेकिन अब ये कहाँ से आ गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तो रिसर्च का विषय बची है, जो रिसर्च कर रही है तुम ढूंढो तुम लोग कि कब यह आ गया। दूसरी बात यह है कि तीसरी बात कि जाति पीछा नहीं छोड़ती है। ये बुक है होमो हायरार्किकस, किसने लिखा है मैं तो भूल रहा हूँ, अटल ने लिखा है, लुई दुमार होमो हायरार्किकस। जाति जो बांटा है ना हिंदू धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार में है बांटा, तो ये वर्ण है और वर्ण नोशनल है, वर्ण में जातियाँ हैं। और जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जिस तरह का भेद है, उसी तरह से हर जाति के अंदर भी भेद है, जाति उपजातियाँ होती हैं उसकी, और उन उपजातियों में भी वैसे ही भेद होता है। तो जो ये ओबीसी है या एससी है, मेरे ख्याल से एसटी में भी है ये, कि इस तरह का भेदभाव वहाँ भी है, ये लोअर है ये हायर है, ये लोअर है ये मिडिल वाला है ये नीचे है, क्लास बन गए इकोनॉमिकली, क्लास क्या कहेंगे लेकिन है वो जातियां हैं उसमें की, तो ये जातियों में बटा हुआ है सब। और वो इसीलिए लुई दुमार ने होमो हायरार्किकस कहा है, हायरार्की जो है होमोजीनस है, खाली ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच की हायरार्की नहीं या ब्राह्मण और शूद्र के बीच की हायरार्की नहीं है, बल्कि विद इन ब्राह्मण, कानकुट ब्राह्मण है, शाश्वत ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, उनमें भी उसी तरह का भेदभाव चलता है, वैसे ही राजपूतों में भी है, शूद्रों में भी है। अब शूद्रों में देखिए कि शूद्र खाली ओबीसी को कहते हैं, बाबा साहब ने हु है शूद्रास एंड हाउ दे बिकम द फोर्थ वर्ल्ड जो बुक है उसमें तो खाली ओबीसी को कहा है। लेकिन अब ये वेरी अनटचेबल सत शूद्र और असत शूद्र दो टर्म आ गए, असत शूद्र आ गए, इसमें जो अछूत हैं वो शूद्रों में आ गए जोड़ लिया उसमें। तो ये ओबीसी वाला जो आप लोग कह रहे हो कि भाई एक कैटेगरी होनी चाहिए, वो एक कैटेगरी ठीक है, एक कैटेगरी होनी चाहिए और उसमें शूद्र और अत शूद्र सारे लोग आए,
लेकिन ये है कि अब वो आपको करना पड़ेगा, सरकार से आप उम्मीद मत कीजिए कि ये इस तरह करेगी। मेरा मतलब है कि आप अब जब तक अपने में से भेदभाव नहीं खत्म करेंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी या पार्टी से कुछ नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद करना पड़ेगा आपको। जैसे बाबा साहब ने कहा ना कि एजुकेट एजुटेट एंड यूनाइट, पहले तो तुम पढ़ो फिर पढ़ते पढ़ते एजुकेट करो। होता यह है कि जब अनपढ़ है व्यक्ति का जब पढ़ाई शुरू करता है तो एजुटेशन होता है उसको। क्यों एजुटेशन होता है पढ़ाई से? इसलिए कि जो उसमें लिखा हुआ है वो तो सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, हमने तो उस तरह का कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है ज़िंदगी में, हमारे माँ बाप ने हमारे बाप दादा ने तो उस तरह का देखा ही नहीं कभी ना, हम हमारे गांव वाले इस तरह देखे हैं, हमारे गांव वाले तो हमारे साथ भेदभाव करते रहे हैं। तो होता ये है कि जो ये एजुटेशन जो बाबा साहब ने कहा है तो पढ़ते पढ़ते ही एजुटेशन होगा, पढ़ाई से एजुटेशन होगा, पढ़ने के बाद आपकी कॉन्शसनेस आती है और कॉन्शसनेस की वजह से आप फिर समाज में जो भेदभाव है जो दुराचार है व्यविचार है जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर आप एजुटेट करने लगते हैं। लेकिन सिंगल इंडिविजुअल के एजुटेशन से बात नहीं बनती है, फिर यूनाइट होना पड़ता है। आप यूनाइट होकर के एजुटेट करोगे तब उसका असर होगा, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। अब एजुकेशन किस तरह की होगी राजस्थान में, जब तक विजयराजे सिंधिया की सरकार थी वहाँ क्या एजुकेशन पढ़ा रहे थे, क्या हिस्टोरियन से जस्टिफाई करवा रहे थे उल्टा सीधा अपना, तो उस तरह की एजुकेशन नहीं। एजुकेशन वो होनी चाहिए कि भाई जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ चल रहा है और क्या होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए वो एजुकेशन। आजकल हो ही रहा है प्रेजेंट जनरेशन में कि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मैं तो खूब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे दो बेटे हैं और दोनों अपना कंप्यूटर में लगे हुए हैं और नहीं तो फिर अपना मोबाइल में टिकटॉक पर कर रहे हैं, हमसे कोई बातें नहीं करना है, खाना भी अपना वहीं उठा के खा लेते हैं, वहीं टिप टिप में कर रहे हैं और खाना भी खाया जा रहा है। तो किस तरह की सोसाइटी हम बात कर रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी बन रही है, आगे क्या होगा, उसमें कितना ये बैकवर्ड क्लास कमीशन और एससी एसटी कमीशन काम करेगा, आई डोंट नो रियली। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जमेला जो है, हर कास्ट में जो मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी है। मेरा मतलब है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं एक साथ तो यूनाइटेड हो गए हैं, लेकिन वो यूनाइटेड इसलिए हैं कि अगेंस्ट यू दे आर यूनाइटेड, आपके विरुद्ध वो यूनाइटेड हैं लेकिन अपने आप में वो डिसयूनाइटेड हैं। तो माइनॉरिटी वहाँ भी है, माइनॉरिटी विद इन मेजॉरिटी है। एनीवे खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जो माइनॉरिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर वो माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी है, और रिलीजियस माइनॉरिटी में मेजॉरिटी जो अभी कुर्सी साहब बोल रहे थे कि रिलीजियस जो माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है वो सब दलित रहे हैं, वो सब एससी रहे हैं, अछूत रहे हैं सारे के सारे, और धर्म से धर्म में जो हिंदू धर्म के बवाल से बचने के लिए वो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, चाहे वो क्रिश्चियन हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, चाहे वो सिख हो गए। और देखिए आज धर्मियों का 1985 में एक बुक आई है आज धर्म के ऊपर, तो ये जो आध्यात्मिक सिख हैं वो उस सिखों से अलग हैं। अब इनके गुरुद्वारा भी अलग हैं, इनके खान पान के तरीके भी अलग हैं, इनके शादी विवाह भी अलग होता रहता है, तो वो सब सारी चीज़ें जो है अलग हैं। और वैसे ही अब जैसे मुसलमानों में है जो गोरे चिट्टे मुसलमान हैं वो तो अपर कास्ट से कन्वर्ट हुए हैं, और जो काले करूटे हैं जो बेचारे रची का धोनी वो काम करते हैं वो सब लोअर कास्ट वाले हैं, सब अंडे से कन्वर्ट हुए हैं।
तो कन्वर्ट जो है यही के हैं लोग, सब यही के हैं, लेकिन ये कि साहब उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा इसलिए कि वो फॉरनर है। अरे क्या फॉरनर है यार, गाय का फॉरनर है, लेकिन ठीक है भैया। अब वो क्रिश्चियन इसलिए कि जो क्रिश्चियन का ओरिजिनेटर था वो कहीं बाहर का था, या इस्लाम का ओरिजिनेटर बाहर का था, इसलिए हिंदू धर्म से अलग मान करके उसको ये कहा भैया वो बाहर का है, इसलिए हम उसको नहीं बोलेंगे। अब क्रिश्चियन को चाहे वो मरे चाहे जिए, चाहे भूखो मर जाए, उसके बच्चे बेकार रहे, पढ़ाई लिखाई कुछ ना करें, लेकिन उनको कुछ नहीं देना है, वैसे मुस्लिम का तो हो ये रहा है कि किसी को कुछ नहीं देना है। अब मैं कल टीवी में देख रहा था एबीपी न्यूज में कि वहाँ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, मिर्जापुर में कोई एक एंकर था एबीपी वाला, और वो सारे लोग वहाँ इकट्ठा हैं, कुछ नेता भी हैं वहाँ का, एमएलए भी है, सब बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि मोदी जी भगवान है, इन्होंने देश को बचा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और वहाँ के जो यंग हैं लड़के सब वो कह रहे हैं नॉनसेंस, सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहा है, हमको तो जो प्रॉमिस किया था नौकरी देने का, नौकरी तो किसी को दिया नहीं, कुछ किसी को कोई जा नहीं दिया, किसान मरे जा रहे हैं सब, तो ये हालत है। तो आप उम्मीद तो करिए, लेकिन उम्मीद के लिए आपको खुद जोर, जब तक आप नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई बात नहीं सुनने वाला। चलिए ठीक है, फिर आप कुछ देर और सवाल जवाब कर लीजिए। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओबीसी कमीशन के चेयरमैन अनिल गेडल, सम्मेलन मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक, संतोषदायक और विचारवान रहा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते मुझे खुशी है कि सम्मेलन के माध्यम से आरक्षित श्रेणी के समुदाय सम्मुख चुनौतियों के प्रमुख चुनौतियों को अवसर पर दिन भर विशेषज्ञों गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। प्रतिभागियों का उत्साह और पूर्ण भागीदारी, चर्चा परिचर्चा और सारंभिक और रोचक बात रोचक बनी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी को आज कार्यक्रम में भाग लेने में, उस सफल आयोजन करने में आपका आभार व्यक्त करने में का अवसर मिला। सर्वप्रथम श्री माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी मंत्री जी के आप का आभार करना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर उद्घाटन भाषण दिया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी वक्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने आरक्षण विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए, अपना बहुमूल्य समय दिया। सभी प्रतिभागियों को भी आज का सम्मेलन की सफलता के वरिष्ठ योगदान जिनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं अपने कमीशन के सभी साथी एवं विशेष रूप से शमीम अख्तर जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने रात दिन एक कर कर आज सम्मेलन को सार्थक बनाया। अन्य सभी साथियों और संस्थाओं का भी हार्दिक आभार करता हूँ, जिन्होंने सम्मेलन में आयोजन में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।